ये कलयुग है साहब, यहाँ बुरों के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। एक बार जब आपको लगे कि आप किसी के द्वारा टाले जा रहे हैं, तो उन्हें फिर कभी परेशान मत करो। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियां भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना, आपको ये देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वो होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। अरे कदर करनी है तो जीते जी करो। अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो आपसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं, और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती है। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं, फिर जल्दी से मान भी जाते हैं। मैंने सुना है कि ऐसे लोग रब को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती ये होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग्स मर गई हैं। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर बाप किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंदगी सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पे मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मोह से शुरू होती है और मोह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए, तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को, मुसीबतों से पूछो कि वो मुझे कितना चाहती है। अपने दुख में अपना सारथी आप खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्णा नहीं मिलेगा। जो अपना है ही नहीं, उस पर हक क्या जताना। जो तकलीफ ना समझे, उसे दर्द क्या बताना। संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है। अरे ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। कदर किया करो उनकी, जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब,
देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। जाति सिर्फ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया? हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कीजिए अपनी निगाहों को एक चेहरे पे पाबंद। हर सूरत पर लुट जाना तो ही ने वफा होती है। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, लेकिन फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। जो आपके जज्बातों की कद्र ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफी है। चेहरा क्या बयां करेगा दास्तां हमारी, जो दिल पे गुजरी है वो दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त सिर्फ इतनी है कि शरारतें करो, साजिशें नहीं। खुशनसीबी में बस एक ही ऐब है कि वो बदनसीबों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपसे सिर्फ उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हो जाता है वहां उनका प्यार भी खत्म हो जाता है। लोग चुराने लगे हैं शायरियां मेरी, गुजारिश है कभी मेरा दर्द भी चुरा कर देखो। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है। कुछ अधूरापन था जो पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी है, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। आज तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, जमाने ने समझा हमारा दौर ही खत्म हो गया। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहां आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार ठेस पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितना ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा न था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा न था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे, अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया।
बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हों। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं है, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। सिर्फ हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफरत है अब उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार है अब उनका, ना कोई शिकायत बची है। होई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती है। मौत से पहले भी एक मौत होती है, पिछड़कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से।